महाराष्ट्र की महाभारत पल पल रंग बदल रही है इस रंगबाजी में, और इस पल पल बदलते रंग में ईडी की भी एंट्री हो गई है। वहीं ईडी का नोटिस संजय राउत को मिला है कि नहीं मिला है, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन ईडी के सोर्सेस ने ये बताया है कि ईडी ने संजय राउत को कल तलब किया है। ईडी के समन पर संजय राउत ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, संजय राउत ने ये कहा है। इसके अलावा संजय राउत ने आगे कहा है, हम आपको दिखा रहे हैं, पात्रा चौल जमीन मामले में राउत को सम्मन ईडी ने भेजा। ईडी के सम्मन पर संजय राउत का जवाब है कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। अब से कुछ देर पहले खबर आई थी कि कल 11 बजे ईडी ने सम्मन देकर संजय राउत को पात्रा चौल मामले में सम्मन देकर बुलाया है। 11 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। उनकी पत्नी को भी इससे पहले नोटिस दिया गया था। इस मामले की जांच इस साल के शुरुआत में शुरू हुई थी, लेकिन अब इस महाभारत के बीच ईडी के सम्मन की बात मैं समझता हूं। मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, जय महाराष्ट्र, संजय राउत ने ये ट्वीट करके कहा है ईडी के ओर से इस बात के सामने आने के बाद कि ईडी ने उन्हें सम्मन देकर कल 11 बजे ईडी ऑफिस में हाजिर होने के लिए कहा है। रौनक कोकड़े हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। रौनक, इस दौरान जब महाभारत चल रही है, महाराष्ट्र में सरकार रहेगी या जाएगी, इसको लेकर वापो चल रहा है, बागी विधायकों को मंत्रालय से हटाया जा चुका है, उस वक्त ईडी का सम्मन मिल रहा है, कितना पुराना मामला है, क्या इस वक्त ही संजय राउत से पूछताछ करना जरूरी था? जी देखिए, इसको लेकर तो निश्चित तौर पर सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि लगातार जो है शिवसेना और खासतौर से कांग्रेस एनसीपी भी इस बात को लेकर सवाल उठाती रही है कि केंद्रीय एजेंसियों की टाइमिंग को लेकर कई बार जो है वो सवाल उठते रहे, और साफ तौर पर उनका यह आरोप रहा है कि सत्ता में बैठी बीजेपी जो है इन केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल कर महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उसको गिराने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर मैं आपको बता दूँ कि संजय राउत कुछ दिनों पहले उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर है राज्यसभा के वेंकैया नायडू, उनको भी इस संदर्भ में पत्र लिखा था और अपनी बातें जो है सामने रखी थी, और उस खत में भी इस बात का जिक्र उन्होंने किया था कि उनको लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों की धमकी दी जा रही है और उन पर कहा जा रहा है कि आप महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराए। लेकिन आज जब ये टाइमिंग देखने को मिल रही है कि सरकार में जो शामिल विधायक है शिवसेना के, वो गुवाहाटी चले गए हैं, कल भी हमने देखा था कि जो अनिल परब महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री है, उनको लगातार 3 दिनों तक ईडी ने एक दूसरे मामले में बुलाकर पूछताछ की, करीबन 7 से 8 घंटे रोज पूछताछ जो है वो देखने को मिली। और आज ये खबर आती है कि संजय राउत को कल सुबह 11 बजे ईडी ने सपंस किया है पत्राचाल मामले में। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो पत्राचाल का मामला है, संजय राउत के जो दोस्त है, करीबी दोस्त प्रवीण राउत, वो इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, और हमने देखा था कि उनकी पत्नी जो है उनको जब इस मामले में नोटिस भेजा गया था तो साफ तौर पर संजय राउत का जो एफिडेविट था, चुनावी एफिडेविट था, उसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि उनकी पत्नी के अकाउंट में, संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में, प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में संजय राउत से पूछताछ की जा सकती है। हमें यह भी जानकारी मिली थी कि जो अलीबाग, जो उनका पैतृक गांव है, वहां पर आसपास के इलाके में कई एकड़ की जमीन भी ली गई है, तो ट्रांजेक्शन को लेकर पूछताछ की जा सकती है। जी जी रौनक, आप बने रहिए इस खबर पर, जो भी अपडेट होगा रौनक कोकड़े के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। सिटी जानिए, कोरिया सिटी, हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है,
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।